हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चश्मों संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ और दूंगा। ये आम इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी जानकारियाँ। एक तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रेम्स होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक तो हम बोलते हैं जिनको फुल फ्रेम, जैसे आप फ्रेम देख रहे हैं, ये फुल फ्रेम, ठीक है जी। इस फुल फ्रेम में क्या होता है कि जो ये पूरे पे फ्रेम होता है, मतलब आपको देखो पूरा राउंड शेप है, ओवल शेप बोलते हैं जी, तो यह है फुल फ्रेम, ठीक है जी। तो ये पहला टाइप का जो फ्रेम हो गया फुल फ्रेम। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेटल का है, इसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा टाइप का फ्रेम हो गया सुपरा फ्रेम। सुपरा इसमें क्या होता है, सुपरा फ्रेम में आधे से ऊपर तो रिम होती है और नीचे हाफ पे रिम नहीं होती। आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर तो इसमें रिम है और नीचे रिम नहीं है। तो एक वायर होता है इसके, इस वायर से ये जुड़ा हुआ होता है नीचे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सुपरा फ्रेम, ठीक है जी। तो ये दूसरे टाइप हो गए सुपरा। तीसरे टाइप का होता है रिमलेस। ये तीसरे टाइप का जो फ्रेम है वो है रिमलेस, इन्हें बोलते हैं रिमलेस फ्रेम, ठीक है जी। इसमें कोई भी रिम नहीं दिख रही आपको पूरा, कि इसको हम यदि खोलेंगे तो तीनों अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे। दोनों डंडिया टेम्पल जिसको बोलते हैं अलग हो जाएगा, ये ब्रिज आपका अलग हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे हम जो इस वाले जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। ये हमारा नोज ब्रिज है, ये नोज पैड जो नाक पे रखे जाते हैं, नोज पैड, ये हमारा टेम्पल हो गया, ठीक है। जो डंडिया हमारी टेम्पल हो गया। तो मेनली रूप से ये तीन प्रकार के आपको मैंने फ्रेम बता दिया, फुल फ्रेम, सुपरा और आपका रिमलेस। अब इसमें ये मेटल भी हो सकते हैं आपका, है ना, ये प्लास्टिक में भी हो सकता है। अब जैसे ये आपका प्लास्टिक फॉर्म में आ गया, तो मेनली तो दो दो ही हो गए, मेटल फ्रेम और प्लास्टिक फ्रेम। इसमें भी सब टाइप हो गए कि आपका फुल फ्रेम और सुपरा फ्रेम। ये थोड़ा अच्छी हायर क्वालिटी का मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ ये बहुत अच्छी हायर क्वालिटी का प्योर शीट फ्रेम है, ठीक है। तो ये भी फुल फ्रेम है, ठीक है जी। तो मेटल सीट दोनों प्रकार के अपने पास होते हैं। इसकी मटेरियल और इनकी जो डिटेल्स हैं, हम आगे वाले एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे कि हर एक फ्रेम की अपनी एक क्वालिटी होती है और कौन सा किस हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होता है। अब इनमें लेंस लगाए जाते हैं सबके अंदर। तो अब इसमें जो लेंस है वो मोस्टली तीन चार प्रकार के हैं। एक आता है मोनोफोकल। मोनो मतलब होता है एक, फोकल यानी फोकल पॉइंट, जिसका सिर्फ फोकल पॉइंट एक है, जो या तो दूर में देखने काम आता है वो चश्मा, या पास का देखने काम आता है। जो भी लोग यंग एज के हैं ज्यादातर उनका मोनोफोकल ही होता है। 40 साल से मैं पहले को मोस्ट ऑफ द पेशेंट मोनोफोकल ही पहनते हैं, तो दूर में पहनेंगे या फिर पास में, ज्यादातर पास में तो बहुत रेयर होता है 40 साल से पहले वालों का। लेकिन जो प्रेस बायोपिया जैसे 40 टच कर गए, जिनको दूर में पूरा 6 इंच के दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग कई बार पास का भी अलग से पहन लेते हैं। तो मोनोफोकल का मतलब एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, ठीक है। तो मोनोफोकल का मेन है कि एक फोकल पॉइंट। दूसरा होता है बाई फोकल। बाई यानी दो दो फोकल पॉइंट हो जिसके, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ कि मोनोफोकल और बाई फोकल में क्या अंतर है। ये तो मैं एक डायग्राम बनाया छोटा सा, वैसे ही मोनो यानी एक फोकल पॉइंट हो जिसका, ठीक है, या तो दूर में काम आए या पास में काम आए, ठीक है जी, मोनोफोकल बोलते हैं। एक होता है बाई फोकल जी, बाई यानी होता है दो, ठीक है। अब इस दो के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये जो ऊपर आपका ये छोटा सा ये एक लगा हुआ है, ये दूर के लिए होता है, ये पॉइंट ये दूर के लिए, ये जो ग्लास होता है गोल राउंड में, ये दूर में देखने काम आता है, नीचे वाला ये पास में देखने में काम आता है। तो ये है बाईफोकल, इसे हम क्रिप्टोक भी बोलते हैं, प्लास्टिक में सीआरकेटी बोलते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग इसको मून बाईफोकल भी बोलते हैं। तो मेनली बाईफोकल का ये पार्ट है। इसमें चश्मे के अंदर दिखाऊं तो ये जो चश्मा है ये बाईफोकल चश्मा है। अब इसमें यदि आपको दिख रहा हो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इसमें ये तो है दूर वाला पार्ट, इसके अंदर एक पास का पार्ट है जो छोटा सा गोल है, बहुत, क्योंकि ये इसमें दिखेगा नहीं, मैं इसमें डॉट डॉट बना देता हूँ कहाँ से है ये। यहाँ पे मैंने एक रेड सी लाइन लगा दी, अब आपको थोड़ा शायद दिखना शुरू हो गया होगा, रेड सी लाइन लगा दी गोल गोल चांद की तरह। तो ये होता है बाईफोकल ग्लासेस में। ये ऊपर का पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट आपका दूर में काम करेगा और ये आपका पास में काम करेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बाईफोकल।
अच्छा, अब बाइफोकल का एक बेटर वर्जन काफी टाइम से चला, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर कम है। लेकिन मैं काफी लोगों को इसके लिए ज्यादा बोलता हूँ, बजाय इसकी तुलना में जो मैंने आपको दिखाया है, जिसे कहते हैं हम, ये देख रहे हैं आप, डी बाइफोकल, जो इसके नीचे की जो शेप होती है वो डी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? डी की तरह होती है। वो ये दूर में देखता है, ये पास में देखता है। इन दोनों में खास अंतर आपको ध्यान से देखोगे ना, आपको पता चलेगा। इन दोनों में देख रहे, ये दोनों मैंने लगा दिया आपके सामने। अब इन दोनों में पता खास अंतर क्या होता है? व्हाई इज डी बाइफोकल इज बेटर देन क्रिप्टोक? ये लेंस ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल होता है बजाय इसकी तुलना में। आप कहोगे इसकी तुलना में क्यों बेहतर होता है? आप देख रहे, इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, ठीक है। इसकी लाइन थोड़ी कर्व्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप ये चश्मा लगाओगे तो इसमें जंपिंग प्रॉब्लम होगी। इसमें जंपिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फोकस करने में तुरंत आराम से कूद पाए। जैसे कोई रस्सी कूद रहा है, तो ये तो कर्ड रस्सी से कूद रहा है, एक बिल्कुल फ्लैट रस्सी से कूद रहा है, तो इस पर आराम से जंप मार जाएगा। ये कर्ड से अच्छे जंप नहीं मार रहा, तो जंपिंग, नो जंपिंग प्रॉब्लम रहती है इसमें। दूसरा, इसे फील्ड ऑफ एरिया थोड़ा इसकी कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा मिलता है इसको, और पेशेंट थोड़ा सा एक पर्टिकुलर क्या होता है इसमें, तो फिर भी एक पर्टिकुलर एंगल बना के देखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको आगे पीछे मूव करके भी थोड़ा सा अपने हिसाब से यूं करके कैसे भी अपना फ्लैट करके भी देख सकता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर एक एंगल पे ही रखना पड़ता जाता है, तभी कंफर्टेबल लगता है। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली मैं टीचर को बहुत ज्यादा एडवाइज करता हूँ, क्योंकि दूर में बच्चों को देखना होता है और पास से इनको बुक्स देखनी होती है, तो उनको फील्ड ऑफ एरिया भी अच्छा मिल जाता है नोट्स, क्योंकि बार बार कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास देखा तो जंपिंग प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं डी बाई फोकल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वैसे आज के टाइम में प्रोग्रेसिव का जमाना है, लोग प्रोग्रेसिव बहुत पहनते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव देना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग काम है, थोड़ा चैलेंजिंग काम है। तो डिपेंड्स करता है कि रिफ्लेक्शन करने वाले के ऊपर, फ्रेम सिलेक्शन कराने वाले के ऊपर, पीडी मेजरमेंट के ऊपर, और आपने कैसा काउंसलिंग करके उसको कैसा चश्मा बना के दिया है। तो जो आपको प्रोग्रेसिव होता है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, वो इस टाइप का होता है, ग्लासेस इस टाइप का होता है उसमें। अब ये जो आपको दिख रहे हैं धारियां वारियां, ऐसी कोई धारियां उसमें नहीं होती है, कोई धारियां नहीं होती ऐसी, ये सिर्फ मैंने अंदर के ऑप्टिक्स बताए। वो सिंपल एक ग्लास होता है, मेरे पास एक ग्लास है प्रोग्रेसिव वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंगल एक प्रोग्रेसिव ग्लास है, ठीक है जी, ये सिंगल प्रोग्रेसिव ग्लास है। आप शायद इसमें देख रहे हो तो इसमें मेरा फेस भी अजीबोगरीब हो रहा होगा इसमें, ठीक है। तो एक दूर में सिलेंड्रिकल भी नंबर है, और इसकी वजह से भी है, ये प्रोग्रेसिव ग्लासेस है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसकी जो ऑप्टिक्स होती है, मैं बता देता हूँ कैसी होती है। इसी के अंदर मार्क करके इसकी ऑप्टिक्स यूं होती है, यूं करके एक एक गलियारा सा होता है, कॉरिडोर होता है, ठीक है। इस गलियारे के बीच में जो इसका दूर का, बीच का और पास का, ये जो गलियारा होता है, इसके जो तीन जोन होते हैं एक तरह से, तो इसे मल्टीफोकल भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस को मल्टीफोकल, मल्टी यानी बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं इसके। ये दूर में भी देख रहा है, बीच में भी देख रहा है, पास में भी कवर कर रहा है। आज के लोगों को डिजिटल युग है, तो मोबाइल कंप्यूटर ऑफिस वर्क में काफी अच्छा रहता है कि आपको कंप्यूटर पे भी देखना है, फाइल भी देखनी है, और दूर में भी देखना है, तो तीन चार जगह आपको बार बार आंखों को फोकस करना पड़ रहा है। तो आपके लिए प्रोग्रेसिव जो लेंस है काफी अच्छे रहते हैं। बट प्रोग्रेसिव डिस्पेंस करने से पहले आपको प्रोग्रेसिव की बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कि आपको फ्रेम सिलेक्शन कैसा कराना है, और पीडी मेजरमेंट कैसे लेना है, क्लाइंट का वर्क प्रोफाइल क्या है। तो और आजकल एक तो नॉर्मल प्रोग्रेसिव आता है, डिजिटल प्रोग्रेसिव आता है। जितने आप डिजिटल प्रोग्रेसिव आए वो ज़्यादा बेहतर आए हैं, और कंफर्टेबल जोन भी उनका अच्छा है। तो ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया। फिर आपके सिंपल, जैसे मैंने अभी शुरू शुरू में मोनोफोकल के बारे में बात कर रहा था, जैसे मेरे पास एक चश्मा है मोनो, ये वाला मैंने आपको दिखाया, तो मोनोफोकल, ये जो शुरू वाला चश्मा है ये मोनोफोकल वाला चश्मा है ना, ठीक है। इस मोनोफोकल का मतलब यही है कि मतलब इसका एक ही फोकल पॉइंट है, जैसे सिर्फ ये पास का है, तो जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पास में देखेंगे, बाकी इसको हटा देंगे, ठीक है। जिसको यूं दूर देखेंगे, पास का चश्मा है तो हमें बहुत धुंधला दिखाई देगा, तो ये मोनोफोकल वाली कैटेगरी में आता है। जैसे बच्चे पहनते हैं वो मोनोफोकल है, वो उनको दूर में देखने का काम आता है, पढ़ाई करते समय यूज करते हैं, तो मोनो यानी एक ही फोकल पॉइंट होता है। ज्यादातर जो 40 साल बाद वाले लोग, जिनको प्रेस बायोपिक करेक्शन आता है, तो फिर पास का चश्मा लगाते हैं। तो मेरा आज ये बिल्कुल बेसिक फर्स्ट छोटा सा वीडियो था एक आपके लिए, कि थोड़ा सा एक आम जनता को ये बताने के लिए कि मोनोफोकल, बाइफोकल, डी बाइफोकल क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है। लेकिन हर का अपना एक एक एडवांटेज है अपने अपने जगह, लेकिन सबके अपने काम के हिसाब से भी चीजें दी जाती हैं। कई बार दूर में किसी को 0 नंबर होता है और उनके पास का नंबर होता है, मतलब हम उसको बाइफोकल देते हैं,
क्यों देते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप कई बार टीचर होते हैं, टीचर्स का दूर का विजन पूरा 6x6 है और पास का एडिशन 1 आ गया, लेकिन कहते हैं सर हमें बच्चों को बार बार देखना पड़ता है, किताब भी बार बार देखनी पड़ती है, तो हम क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उनको बाइफोकल प्रेफर करते हैं कि सर आपको दूर भी देखना है पास भी देखना है, तो आप बार बार चश्मा हटाएंगे फिर लगाएंगे फिर हटाएंगे फिर लगाएंगे, इससे बड़े आप दूर में प्लेन और पास में आप गोल टिक्की वाले या डी बाइफोकल से आप देखिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे। या प्रोग्रेसिव लोग बनवा लेते हैं, कुछ लोग ऑफिशियल जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको कंप्यूटर भी देखना है फाइल भी देखनी है, कोई सामने आगे से बात भी करनी, तो वो लोग प्रोग्रेसिव ही बनवाते हैं, तो वो ये धीरे धीरे चीजें आगे करते हैं तो उस हिसाब से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे हम कोई भी हम मार्किंग वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे प्रोग्रेसिव की मार्किंग हम पीडी मेजरमेंट, वैसे आगे हम अगले में सीखेंगे हम कि पीडी मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको पीडी मेजरमेंट। पीडी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मतलब पुपुलर डिस्टेंस, पीडी का मतलब है पुपुलर डिस्टेंस, जो हमारी दोनों आंखें दिख रही है इसके सेंटर में एक रिफ्लेक्स दिख रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी पुपुलर डिस्टेंस, तो वो हम मेजरमेंट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।